हम लोग अभी रास्ते में जा रहे थे तो गैरसैंण ऐसे क्रॉस किया तो जय श्री राम लिखा हुआ, देवभूमि उत्तराखंड के पावन धाम, राम मंदिर, राम नाली, राम के उद्यम समय, कालीबंध, मरोड़ा, गैरसैंण, चमोली, आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो आज का मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है, कल हम लोग आए थे जब नैनीताल में तब बहुत ही बहुत तेज़ बारिश, लेकिन जैसे हम आए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ वैसे तो हाई अलर्ट है 10-11 यानी आज कल परसों, लेकिन मौसम को देख के लग नहीं रहा है कि हाई अलर्ट होगा, लेकिन पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज होता है तो कुछ भी हो सकता है कभी, क्योंकि अभी तो आसमान साफ है और बहुत सी धूप आई हुई है। ये हमारे देखो नींबू के पेड़ कितना बड़ा हो गया और इसमें इस बार बहुत नींबू आए हैं, वो हमारा अखरोट का पेड़ है। अनार के पेड़ों में हमारे बहुत सारे अनार आए हुए हैं, पापा लोग बैठे हुए नीचे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। चल अंधेरा हो गया चेहरे पे ऐसा क्यों? हाँ, सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल मैं आया था कल घर, पुराने वाले ब्लॉग आपने देखा, मैं आया था कारदाम से द्वाराहाट और रास्ते के सारे डेस्टिनेशन रानीखेत के जितने आपके थे वो आपको सबको दिखाते हुए। तो लेकिन वो पूरा ब्लॉग आप देख लेना, पुराना अगर आपको देखना होगा तो। फिलहाल आज का मेरा है प्लान, यहाँ से बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन आना है। फिलहाल हम लोग जाते हैं रोड पे, आपको तो उससे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं टाइटल से। फिलहाल हम लोग रोड पे जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी लेते हैं, साथ में कौन कौन जा रहा है वो भी देखते हैं कि कौन कौन और आएगा साथ में। तो मिलते हैं गांव के रास्ते पे। मम्मी लोग धो रहे हैं बर्तन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय दुनागी माता की। पापा भी आज जा रहे हैं रानीखेत, जा रहे हो आप? पापा रानीखेत जा रहे हैं अपना सीएचजी से सामान लेके आएंगे। मैं आ रहा था इधर से, रात का अंधेरा हो गया था, करीब 8 बज गए थे, तो मैं और पिंकू थे, तो पिंकू और मैं जब वहाँ पर थे तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, सब कुछ दौड़ रहा है कि तो दो जानवर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर खड़े हो गए एकदम से, तो मैं डर गया, मैंने कहा आखिर क्या क्या है। थोड़ा क्रॉस आके देखे तो मोबाइल के रास्ता हमारा, तो पता चला कि जंगली सुअर हैं, वो बिल्कुल हमको मारने की पोजिशन में खड़े थे। देखिए ये इन्होंने पूरा खोदा हुआ है, देखो कल रात में ये पूरा उन्होंने खोदा हुआ है। तो फिर वो एकदम से हम यहाँ पर पहुँचे, जो बड़ा सा पेड़ है वो उसके नीचे चले गए, फिर कुछ देर बाद मैंने खल की आवाज़ करी तो ऊपर सारे भाग के ऊपर चले गए, और करीब 50-60 थे, मतलब एकदम से आदमी डर जाता है जब 50-60 जानवर एक साथ देखता है, और तो हम दो ही लोग हैं, जंगली सुअर बहुत होता है वाला खतरनाक है, लेकिन ऐसे खुली जगह पे मिले तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा रास्ते मिल जाए गाँव के जिसमें दोनों साइड दीवार है और ऑप्शन पलटने का है बस, हो गया तो पलटते नहीं है तो सीधे दौड़ लगा के हिट करते हुए जाते हैं, और अपने जो उनके दांत होते हैं ना बहुत भयंकर होते हैं, वो दांत से सब कुछ खोद देते हैं, तो बाघ को भी मार सकता है जंगली सुअर, और बाघ की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है आपको पता ही है, तो कभी कभी ऐसा भी आता है। तो फिलहाल मेरा एक कॉल आ गया था तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, मैंने कहा गाँव का रास्ता दिखाऊँगा लेकिन वो हो नहीं पाया, तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ रोड पर। अभी यहाँ से तो ब्लॉग ऐसे भी बहुत बड़ा बनना है, क्योंकि हम लोग को जाना है यहाँ से फिलहाल जोशीमठ, तो जाने ही जाना है किसी भी हालत में, आज पहुंचना है जोशीमठ, और उससे अगर आगे निकल जाएंगे तो उससे आगे भी निकलने का मेरा मतलब विचार है। यार मैं निकल चुका हूँ द्वाराहाट से, वहाँ से गाड़ी हमने की, तो बीच में क्या हुआ कि गांव वाले कुछ लोग आगे थे कि वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो थोड़ा साइड टाइप के होते हैं तो अगर वीडियो बनाओ तो वीडियो नहीं बना देते ना, तो ऐसा होता है हिसाब किताब। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से द्वाराहाट से, अभी हम लोग वाया चकुटिया गैरसैंण होते हुए हम लोग पहुँचेंगे पहले कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग की दूरी यहाँ से है करीब 90 किलोमीटर, और मेरा जो पहला मुझको मतलब ब्रेक लेना है वो लेना है करीब आपके दिवाली घाट पर, मतलब करीब आपके यहाँ से 60 किलोमीटर। तो पहले लक्ष्य हमारा ये है, मॉर्निंग के बज गए हैं करीब आपके 8:30 हुआ है, और थोड़ा कर्णप्रयाग से आगे छिनकैक जो है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है कल भी, और आज भी मौसम थोड़ा वहाँ का ख़राब है सुनने में आया, मेरे को पता किया था किससे, तो वहाँ पर थोड़ा रास्ता हम आज मिलेगा थोड़ा ख़राब, तो वहाँ पर थोड़ा जाम वाम लग रहा है ऐसा बोल रहे थे बद्रीनाथ वाले हाईवे पे। और साथ साथ में हम लोगों ने अभी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो इसमें क्या है कि वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर आप जा रहे हो
तो उसको पहले ऑनलाइन करना, तो हम लोग अभी ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन करके उनको दिखा देंगे, है ना, ठीक हो जाएगा हम लोग का। तो अजीत बाबू हमारे साथ आ गए हैं, तो फिलहाल हम लोग दो लोग जा रहे हैं। अभी अगर कोई मिलेगा रास्ते में तो ठीक है बैठाएंगे, अंदर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दो लोग की जोड़ी काफ़ी है। तो देखते हैं पूरा रास्ता यहाँ से पूरा जोशीमठ, या हम लोग पहुँचेंगे गोविंद का, जहाँ देखो हम कहाँ मंजिल लेके जाती है, बाकी भगवान की मर्जी है। तो फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चकुटिया, तो चकुटिया आने में हमको लग गया एक घंटा, क्योंकि बीच में क्या था कि यहाँ पर थोड़ा रोड में बहुत जगह पे काम चल रहा है, बीच बीच में जहाँ जहाँ पे नाले आते हैं तो वहाँ पे पानी को रोड से अंडरग्राउंड करने के लिए कलमट बन रहे हैं, कलमट बोलते हैं पहाड़ में। तो यह है चकुटिया की मार्केट, यहाँ बहती है रामगंगा नदी जो जाती है रामनगर के जिम कोविड पार्क में। तो जो गर्जिया मंदिर है वो कोसी नदी में है, लेकिन रामनगर का एक हिस्सा रामगंगा के किनारे है, तो इस वाले हिस्से में बहुत सारे आएंगे शहर, जैसे आपके जाली मासी ऐसे करके मोहान वगैरह, जहाँ जहाँ रामगंगा निकलती है, और पूरे पूरी रामगंगा के तट पे ही पूरा का पूरा कावेट नेशनल पार्क बसा हुआ है। तो ये है चकुटिया। लोग अभी रास्ते में जा रहे थे तो गैरसैन ऐसे क्रॉस किया, तो जय श्री राम लिखा हुआ, देवभूमि उत्तराखंड के पावन धाम, राम मंदिर, राम नाली, रामगढ़ के उद्यम समय, कालीबंद, मरोड़ा, गैरसैन, चमोली, आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो यहाँ पे मेरे को पहली बार ये पता चला कि यहाँ पे एक रामगंगा जो नदी बहती है चकुटिया में, और वो ऐसे रामनगर की जाती है, मैं आपको फिर ब्लॉग में पहले बताया था, तो उसका यहाँ पे क्या है उद्गम स्थल यहाँ पे है, और आज यहाँ पे कोई मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, किसी मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि गैरसैन में वो जो दो बंधु जा रहे हैं, एक पंडित जी और एक भाई साहब हैं उनके साथ, तो वो लोगों ने बोला कि हमको ऊपर से लिफ्ट दे दो, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इससे पहले भी हमने लिफ्ट दी थी, एक आंटी जी थी गाँव की, तो अपनी समस्या बता रही थी, उनसे बात करते करते पंडुआ खाल आ गया था, फिर इनसे बात करते करते यहाँ पहुँच गए, रास्ता वही है। तो मैंने कहा कितना दूर है, तो उन्होंने बोला कि मुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो आप लोग आगे देख लो। तो मैंने कहा चलो हम लोग देखते हैं। तो इस बहाने से देखो भगवान के दर्शन करने के लिए कहीं से भी आपको कुछ भी हो जाता है, तो वो लोग हमारी गाड़ी में बैठे तो भगवान के दर्शन हम लोग को भी हो जाएंगे। क्यों अजीत बाबू, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बात पे? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, दो सज्जनों से बात हुई, दोनों बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं एक धारा है यहाँ पे, तो आप देखें पानी का स्रोत है, तो उसका जो गर्भगृह है शिव जी के मंदिर के बिल्कुल नीचे है, और यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, एक राम मंदिर है, और रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो यही है। तो यहाँ पे आज एक शनिदेव और एक शिव परिवार की पूरी की मतलब मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये गैरसैन में पड़ता है ये गाँव। तो अभी हम लोग ने लिया है ब्रेक, गाड़ी की उधर रेस्ट देते हैं, थोड़ा हम लोग भी रेस्ट करते हैं, अजीत भी रेस्ट कर रहा है, और छोले खाते हैं, घोड़ा बनने की तैयारी। अरे आंटी का यहाँ पर रेस्टोरेंट है, क्योंकि विधानसभा भवन है उत्तराखंड का,
ग्रीष्मकालीन हुई ही है, गैर से तो ऊपर दिवाली खालिस जाओ का नाम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया, 11:30 बज गए हैं, यानी कि हमको 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पहुँचते वस्ते, वैसे 2.5 घंटे लगते हैं लेकिन फिर 3 घंटे। अभी कर्णप्रयाग यहाँ से 50-60 किलोमीटर और होगा, और उस साइड में लैंड स्लाइड है बता रहे हैं चमोलियाई रोड पर, तो देखते हैं कि कैसा वो लैंड स्लाइड है और कितनी देर जाम में फंसना पड़ेगा, तो आगे जाके पता चलेगा। पहले हम लोग खाते हैं काले चने विद प्याज और स्पेशल चटनी के साथ, फिर आगे का सफर तय करेंगे। तो फाइनली 1 बजा है और हम लोग पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। तो अभी यहाँ से ही जो है लैंडस्लाइड जोन वाला रास्ता हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि उस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और नीचे अगर आप देखोगे, नीचे देखिए वो नदी पिंडन नदी और अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम हो जाता है। तो कोई संगम मतलब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, और आप देखिए कि बारिश के कारण कितना ज़्यादा पानी आया हुआ है, बाढ़ टाइप की आई है। और ये है यहाँ का 4 किलोमीटर है वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ से 121 किलोमीटर है, और पोखरी यहाँ से 28 किलोमीटर। तो ये मतलब यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस जो दिखा रहे हैं, तो ये है पूरा कर्णप्रयाग का मार्केट। यहाँ कर्ण जी का मंदिर है, इसलिए इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, जो यहाँ पर प्रयाग है। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग ये भी है उत्तराखंड में, कर्ण प्रयाग। तो यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे बद्रीनाथ में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे आ गए हैं अपने गांव से चलते हुए। तो देखते हैं आगे का रास्ता, कहीं अभी लंच करेंगे तो लंच का भी टाइम हो रहा है, तो कहीं लंच करेंगे और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है आखिरकार। कहीं अगर जाम वाम होगा तो हमको फिर लेट होगा, वरना गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आ रही हैं आगे से, तो ज़्यादा रास्ता नहीं की कोई दिक्कत है भगवान। तो अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ से नेशनल हाईवे पे, जैसे कि हमने कर्णप्रयाग क्रॉस किया था, तो यहाँ से ऑल वेदर रोड स्टार्ट हो गई है। तो ये रोड मतलब काफ़ी चौड़ी है, लेकिन मेरे को ये दो चीज़ें बड़ी एक चीज़ बड़ी ख़राब लगी, जैसे आगे हमारे दो भाई जा रहे हैं, देखो इन्होंने जितना अटकाया हुआ है सनातन धर्म के प्रचार के हनुमान जी की वो लगी हुई है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो सिख धर्म वाले होते हैं वो लोग पगड़ी पहनते हैं, तो उनको हेलमेट मतलब अलाउ नहीं पहनते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों बंदे सिख धर्म के लग नहीं रहे हैं और वैसे उनके बाल वाल कटे हैं, तो इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि हमको ये फैशन टाइप का लगता है हेलमेट नहीं पहनना, तो हमको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए अगर हम आ रहे हैं कहीं से भी, क्योंकि ये लोग यूपी 3 नंबर है, तो कहीं आसपास आप समझ लो कि कहीं आपके गाज़ियाबाद साइड का नंबर होगा, तो मेरठ साइड का, तो मतलब हेलमेट पहनना काफ़ी ज़रूरी है। वो चीज़ें मतलब अवॉइड ना करें, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, कोई फैशन दिखाने के लिए तो हेलमेट आदमी नहीं पहनता। तो अपना मतलब ध्यान रखें, और जब भी टू व्हीलर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर हेलमेट ज़रूर पहने। तो अभी की रोड देख लो आप, ऐसी रोड ऐसी भी है मतलब रोड, कहीं कहीं पे 2-3 लैंड साइड जो चमोली वाले हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पे 2-3 दिन से क्या था कि मतलब पूरा रोड ब्लॉक था, 2 दिन के यात्रा रोकी गई थी और पत्थर बहुत ज़्यादा गिर गया था रोड पे। तो फिलहाल वाला जो क्रॉस कर लिया है गोपेश्वर और चमोली वाला हम लोगों ने, अभी रोड काफ़ी नैरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो फिर बाद में होगा, वैसे ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर भी एक और लैंड स्लाइड जोन बन जाएगा। तो देखिए माना है आपके पूरे 82 किलोमीटर, बद्रीनाथ 77 किलोमीटर। हम लोग एक्चुअली रुके थे पीपलकोटी में खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर गाड़ी पार्किंग ही नहीं मिली, इतनी यहाँ भीड़ है, बसें लग गई थी सारी की सारी, तो अपने ही आपको कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो मौसम हो गया है फिर से रंगीन होने लग गई है बारिश, तो हमने जो लैंड स्लाइड जोन थे वो तो हमने काट लिए भाई। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो पीछे का नज़ारा खाना बनता है, तो प्रियंका पीछे का नज़ारा आपको दिखाएं। सामने देखो पहाड़ में पूरी रोड ऊपर तक काटी हुई है, पूरा पहाड़, इस साइड का नज़ारा देखो अगर आप, नीचे सीढ़ीदार खेत हैं और ऊपर क्लाउड्स हैं, ऊपर पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, इधर वाला अगर आप पहाड़ ऊपर को देखो तो ऐसा नज़ारा है। नीचे एक बच्चा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है कुछ, तो कितना खूबसूरत मौसम है, कितना मौसम खूबसूरत है, बेहतरीन है ना।
तो इस बेहतरीन मौसम का मज़ा उठा रहे हैं हम फिलहाल। तो ये देखिए पीछे यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है, पीपल कोटी में हम लोग रुके हुए हैं लंच करने के लिए। दिन के 2 बजे हुए हैं, अभी हम लोग को कई 3-4 घंटे और लगेंगे वहाँ जाने में। पहले लंच करते हैं, फिर आपको पूरा रास्ता और दिखाएंगे आगे तक। जोशीमठ क्रॉस करने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है। ये है विष्णुप्रयाग जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, और ये है आपके पूर्वी लक्ष्मण गंगा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, इसका अलकनंदा का संगम हो जाता है। ये नदी मतलब अलकनंदा है, आगे इसमें पूर्वी लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा दोनों का संगम हो जाएगा वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो इसने ऊपर से गिरता है, और ऐसा कुछ यहाँ का दृश्य है चारों ओर का। यहाँ के आपको पहाड़ दिखाऊं तो ही मज़ा कुछ और है। ये देखिए ये चारों ओर का नज़ारा है इसका, बहुत ज़बरदस्त वाला। तो ऊपर है पूरा जोशीमठ, इसके ऊपर पूरा जोशीमठ है, पूरा जोशीमठ इसके ऊपर है। ये नदी बह रही है बिल्कुल फुल उफान पे, बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे तीर्थयात्री जा रहे हैं मोटरसाइकिल में ऐसे कुछ। ये सुंदर सी रोड है हमारी गाड़ी, देखो अजीत बाबू तो बिल्कुल ऐसे मग्न हो गए कि खम्बा भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये इनके हालात हैं। तो आप देख सकते हैं ये नदी की आवाज़ यहाँ तक बिल्कुल आ रही है, वो अलकनंदा माँ नदी बह रही है। तो फिलहाल हमें गोविंद घाट में, तो यहाँ से सब सारी डेस्टिनेशन लिखी हुई है। हाँ, तो हम रुके थे बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित ये होटल बद्रीस गोविंद घाट। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं आगे तक भी, और नीचे गुरुद्वारा भी है। आप वहाँ पर फ्री में रह सकते हैं गुरुद्वारे में, फ्री में लंगर खा सकते हैं, फ्री में आप रह सकते हैं। वहाँ आपको एक बेड मिलेगा और कुछ कंबल मिल जाएंगे, तो आप उसमें आराम से रह सकते हैं अगर आपको मतलब पैसा स्पेंड नहीं करना है। तो हम लोग के पास क्या होता है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए, गोपो चार्ज करने के लिए रूम लेना ज़रूरी होता है, तो वरना हम लोग भी वहीं रुकते। तो इस चक्कर में हम लोग रुके थे होटल पे। तो ये होटल अकॉर्डिंग सीजन के रेट चेंज होते रहते हैं, तो यानी कि आप मान के चलिए 1000 से लेके 2500 3000 तक रेट चले जाते हैं।